को ना हम लाइकन प्लेनस बोलते हैं, जैसे झाइयां होती है ना, वैसे एक बीमारी है जो हमारी स्किन का कलर चेंज करने लग जाती है। हफ्ते में दो बार पूरे शरीर पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे उससे मालिश करनी है और उसको ऐसे रगड़ना है। कितने लाख ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ सफेद पानी की वजह से उन्हें कैंसर बढ़ता है और वो मर जाती हैं। यहाँ से कालापन है, यहाँ से साफ है, यहाँ पे कालापन है। एक चेहरे में जब तीन चार रंग होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग रंग होना शुरू होता है, मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसको ना हम लाइकन प्लेनस बोलते हैं, जैसे झाइयाँ होती है ना, वैसे एक बीमारी है जो हमारी स्किन का कलर चेंज करने लग जाती है। ये किसी को भी हो सकता है, किसी के चेहरे से शुरू होता है, गर्दन से, बाजू पे धीरे धीरे फैलने लगता है। ये वो चीज़ फैल रही है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, दही में बेसन डालना है, उससे नहाना है, साबुन बिल्कुल बंद करना है। दूसरा काम, नॉर्मल कढ़ाई लेनी है, लोहा नहीं लेना, नॉर्मल कढ़ाई लेनी है या एल्युमिनियम का ले लो, उसमें नारियल का तेल लेना है, उसमें हल्दी को अच्छे से भून लेना है, उस तेल से रोजाना सोने से पहले मालिश करनी है, रात को लगा के सो जाओ, और सुबह जब अपना उठ के नहा लिए उसके बाद एलोवेरा जेल लेना है और इसके ऊपर लगा के पूरा दिन रखना है। कम से कम दिन में दो बार एलोवेरा जेल लगाओ, एक महीना करना, फिर मुझे बताना। अगर बिल्कुल भी आराम नहीं आता फिर ये दवाई से जाएगा, मैं दवाई बता दूंगी पूरी। अभी अगर इससे चला जाता है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। हाँ लगा सकते हो, दही मत लगाओ ना, आपको एलर्जी है। जले के निशान का मैं बता दूँ, जैसे दही ना आपको दिक्कत करेगा, अभी पोर्स पे अभी नहीं, आप पहले इतना करो जो मैंने आपको बताया, फिर पोर्स के लिए बताऊंगी। देखो मैं बताती हूँ सिंपल, देखो वैसे तो भगवान ने सबको रंग दिया है अपने हिसाब से, तो किसी के रंग का कोई वो नहीं है, नहीं मजाक नहीं, अरे कोई ना, मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ का रंग अलग है, यहाँ का अलग है, ऐसा भी कई बार होता है कि बाजू और चेहरे का रंग अलग है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा रंग थोड़ा सा साफ हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि जिनका रंग सांवला है वो एकदम से साफ हो जाएगा, लेकिन अंतर आ सकता है। जैसे इनका रंग जो है, जैसे यहाँ से साफ है, यहाँ से वो है, आपने जो मुझसे सवाल पूछा, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपको ना एक तरीका बताती हूँ, जिनका भी रंग थोड़ा सा भी सांवला हो उनको लगे कि हमें थोड़ा सा लाइट करना है, आपने क्या करना है, इमली लेनी है इतनी सी, उसको पानी में भिगो देना है, रात भर भिगो के रखना है, ठीक है। उसके बाद सुबह उसको मसल के उसका जो गुद्दा होता है पानी, वो निकाल लो, ठीक है। हफ्ते में दो बार पूरे शरीर पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे उससे मालिश करनी है और उसको ऐसे रगड़ना है, इमली के गुद्दे को, इमली के गुद्दे को रगड़ के आधा घंटा लगा के बैठ जाओ, और उसके बाद नहा लो और साबुन बंद कर दो। दही में थोड़ा सा बेसन लेके उसी से रोज नहाना है। जितनी इसके रंग की क्षमता होगी, जैसे इसका रंग इतना सांवला नहीं है, पर जैसे इसके गर्दन में ज़्यादा काला बना रखा है, जैसे आपने बताया, जैसे यहाँ से चेहरा साफ है, यहाँ से चेहरे में डार्क है, यहाँ से डार्क है, यहाँ से साफ है, इसको अनइवन टोन बोलते हैं, डिसकलरेशन हम बोलते हैं। तो जिनको भी ये दिक्कत होती है ना, उसमें जैसे दही और बेसन से नहाना है, दूसरा इमली को भिगो दिया और वो, और अगर इससे ज़्यादा आप लोग मेहनत कर सकते हो, जिसको जैसे आपका चेहरा भी है, यहाँ से साफ है, यहाँ से कालापन है, यहाँ से साफ है, यहाँ पे कालापन है, एक चेहरे में जब तीन चार रंग होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग रंग होना शुरू होता है, दो बादाम लिए, रात को पानी में भिगो दिया, जब आपको टाइम मिल जाए रात को सोने से पहले उसका छिलका उतारा, ठीक है, कोई भी पत्थर सिलवट्टा जो आपको मिल जाए उसके ऊपर दो बादाम रखे, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और उसका पतला लेप बना लिया, उस लेप को सोने से पहले ना अपने चेहरे पे लगा के सो जाओ और सुबह उठ के चेहरा धो लो, जो हमारे चेहरे में तीन चार अलग अलग तरह के रंग बनना शुरू होते हैं ना, वो साफ होने लग जाएगा। आप इसको ये करो, अगले महीने आप इसमें जमीन आसमान का अंतर देखोगे। मेहनत आपकी है, बताना मेरा काम है। सुबह भिगो दो, नहीं नहीं करना इनके लिए, आप मैं क्या कह रही हूँ, कोई भी लगा सकता है, जो मैं, आप भी, कोई भी, जिसको भी लगता है ना कि मेरे चेहरे पे तीन तीन चार बादाम, तो ऐसा है कि आप जो बच्चे एक एक दो दो महीने के उनके चेहरे पे भी लगाओगे ना, तो उनका रंग निखरता है उससे। मैं खुद रोज लगाता हूँ। अरे गोरा नहीं, देखो मेरा हाथ भी ऐसा ही है, मैं लगा लगा के ऐसा हूँ। देखो जो, अच्छा ये नुस्खे हम बता रहे हैं नहीं कि हम ऐसे पढ़ के आ गए, ये बोलते हैं मेरी बीवी मेरे से ज्यादा गोरी है तो मुझे उसके बराबर पहुँचना, तो मैं उतना कर लो। अब ये ठहरी हिमाचल की, आपने कंपटीशन पढ़ा।
ये ठहरी हिमाचल की, ये ठहरी हिमाचल की भाई, तो गोरी मैं ठहरा बनारस का। तो हम तो इनके मुकाबले में नहीं आ सकते, कोशिश कर रहे हैं, पर ये है कि आप लोग करिए, हमारी बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ध्यान देना, मैंने जो बताया तेरे को करनी है। इमली वाला समझ आया? नहीं आया। दोबारा रिपीट, जो आप बोल रहे हो पानी बनाया लगाना, जो इमली को देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, इमली ली, पानी में भिगो दिया, सुबह उठ के उसको अच्छे से मसल लिया, जो उसको गुद्दा बना वो रखना है, बीज फेंक देने हैं, जो गुद्दा बना सारे शरीर पे साबुन की तरह रगड़ो, साबुन को बंद कर देना। हाँ, साबुन बंद, दही और बेसन से नहाना है, पूरे शरीर पे लगाया, आधा घंटा लगा के बैठ गए बाथरूम में, पानी से नहा के बाहर आ गए, हफ्ते में दो बार सिर्फ, रोज नहीं करना, हफ्ते में दो बार कर लिया बहुत है। इमली वाला रोज जो मेहनत करनी है वो सिर्फ ये, दो बादाम सुबह पानी में भिगो दिए, रात को उसका छिलका उतारा, सिलवट्टे पे रखा, थोड़ा सा दूध डाला, बिल्कुल पतला लेप बनाया, सोने से पहले अपने चेहरे पे गर्दन पे लगा के सो गए, सुबह उठ के चेहरा धो लिया, बहुत आसान है, 5 मिनट का काम है। जो 5 दिन बच गए ना, 2 दिन तो ये कर लिया, 5 दिन बच गए, दही बेसन कर लो। हाँ ठीक है, और करना, अगले महीने आके पूछेंगे आपसे, देखो जिसने किया उसको फर्क मिला, आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा इसका ना सबसे बड़ा, पुराने टाइम में राजा महारानियां जितने लोग, उनको दूध दही बेसन से ही नहलाते थे, साबुन तो थे ही नहीं, तब कहाँ पे लाइफ बॉय था, है ना, तब नहीं था ना लाइफ बॉय, ठीक है। अच्छा देखो मैं ना, अब यही बात है, पहले के लोग 70-70, 80-80 साल तक खेतों में काम करते थे, किसी के ना जोड़ों में दर्द था, ना गैस थी, ना कब से, लोग 10-10 रोटियां खाते थे और पचाते थे, अब 2 रोटी खाते हैं, मोटापा अलग से जा रहा है, पेट अलग दिख रहा है, ठीक है, कमर अलग जा रही है, क्यों इतना मोटापा आ रहा है, क्योंकि हमारी दिनचर्या वैसी होगी। पहले लोग सुबह उठते थे, रात को जल्दी सो जाते थे, अब क्या है, 12-12 बजे तक तो हम मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, सोते नहीं है वक्त से, बीमारियां लगने लग गई। नहीं नहीं, ये गुड़िया समझदार है, और दूसरा समझदार है, ठीक है, हम लोगों ने ना अपनी जिंदगी खुद से खराब की, अब लोग 50-40 साल में हार्ट अटैक आता है। मैं तो अभी भी मैम 7 बजे सो जाते हैं। हाँ सोते हैं, ढलेगा और बिस्तरों पे पड़ जाएंगे। हम तो यहाँ दिल्ली में भी 8 बजे सो जाते हैं, ठीक है, 11-11 बजे जाते हैं सोने में। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितनी अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे, हम उतनी लंबी आयु जिएंगे। ये नहीं कि आज के वक्त में इंसान 100 साल नहीं जी सकता, पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम सोचते हैं आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो यहाँ से मंगवा लो, समझ गए, चाउमीन खा ले, तो ये है, ये देखो चाउमीन चल भी रही है। तो बेटा अब आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, और अगली बार भी हम आएंगे, जिनको कभी भी लगे ना कि वीडियो से दिक्कत है, वो अपना मुंह ढक ले, आप लोग जानकारी लो, हमें आपके चेहरों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, चाहे आप घूंघट डाल के लो, मुंह पे कपड़ा बांध के सुनो, या कैसे भी सुनो, आप लोगों के लिए हम लोग आ रहे, देखो इतनी देर से देख लेते हैं। हाँ हाँ देखो यही तो फायदा है वीडियो का, ठीक है, और हाँ जी हाँ हर जगह की है, और ये नहीं, और देखो बस हमारा मकसद क्या है, हर साल हमारे देश में कितने लाख ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ सफेद पानी की वजह से उन्हें कैंसर बढ़ता है और वो मर जाती हैं, महामारी में वो कपड़े का इस्तेमाल करती है और वो मरती हैं उसकी वजह से, कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज सौंफ खाने से आराम मिलता है, ठंडक देती है ना, तो देखो जैसे कोई एक महिला है, मानो आप हो, आपने कुछ किया, आपको फायदा हुआ, आपने किसी को बताया, आज तक आपको उस चीज का नहीं पता था, और मैंने आपको बताया, आपने आगे किसी को बताया, किसी की जिंदगी बची, ठीक है, जो हमारे कर्म है वो हमें आगे बचाते हैं, तो उस चीज से आपको कितना फायदा हुआ, आपने बता के चले गए, हम करना छोड़ दिए, तो ठीक है, हाँ तो कहने का मतलब कि हर इंसान, देखो 125 करोड़ की आबादी है, ना मैं 125 करोड़ लोगों से मिल सकती हूँ, ना आप मिल सकते हो, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश अगर किसी एक इंसान की जिंदगी भी बदल दे, आज यहाँ 1000 लोग हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, यहाँ
आका आपको इतना सवाल जवाब कर लिया, हम हॉस्पिटल में जाकर कर भी नहीं सकते, पैसे भी दे आते कर भी नहीं सकते। तो वही तो चीज है, यहाँ हम कई सवाल कर लिए ना आपसे, हमारे बच्चों को देख दीजिए, हमें देख दीजिए, ऐसे बोल दिया, हॉस्पिटल में जाकर जिस बीमारी के लेकर जाएंगे। चलो निकलो निकलो बाहर। मैंने आपको बताया, देखो मेरा रोज ओपीडी होती है, पेशेंट को वेट करना पड़ता है इनके अपॉइंटमेंट के लिए। जिस दिन मैं खुद जाते हैं ना जब सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में, पूरे दिन खराब करते हैं, लाइन में लगे लगे धक्के खाते रहते हैं, फिर भी मैंने एक दो बातें नहीं कर सकते हैं। देखो हमारा ये इनिशिएटिव इसीलिए है, हमारा मकसद उद्देश्य यही है, जब हमने ये शुरू किया था ना तो वो हमने इसीलिए शुरू किया था कि लोगों को उसके बारे में पता चले। जो लोग बाहर जाके आप फीस भी दे रहे हो, अपनी बात को खुल के रख भी नहीं रहे हो। ठीक है चलें, ठीक है चलो, तो अब अगले महीने मिलेंगे। अब आप लोग करना फिर बेटा, मुझे बताना आप, ठीक है। देखो हमारे आने से हमें पता भी नहीं चले है, हम तो काम पे जा रहे हैं। देखो हमारे आने से यहाँ पे एक इंसान की भी सबर गई जिंदगी, हमारे लिए वो भी पूरा है। बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है, जो सुनना चाहता है वो सुनेगा, नहीं तो हमारे लिए तो एक होगा, हम उसको भी उतना ही बता के जाएंगे, 100 होंगे हम उसको भी उतना ही बताएंगे। वो तो हर इंसान का अपना है कि वो कैसे जानना चाहता है, ठीक है। धन्यवाद।